हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम क्राइम टीम सेक्टर 40 पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि शराब को सोहना के रास्ते बिहार लेकर जाया जा रहा था। पुलिस ने सोहना के पास लाखोवास गांव में नाकेबंदी कर अवैध शराब से भरे ट्रक को काबू कर लिया। जब गाड़ी को थाने लेकर चेक किया गया तो उसमें से शराब की 795 पेटियां बरामद की गई। शराब से संबंधित दस्तावेज चालक के पास भी नहीं थे, जिसके बाद चालक के खिलाफ धारा 420 और शराब अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूचना मिली कि एमपी नंबर ट्रक है और जिसमें नगर परमिट लाइसेंस के शराब जो है गुरुग्राम की तरफ से और बिहार राज्य में ले जाई जा रही है, जिस पर सेक्टर 40 सीआईडी स्टाफ गुरुग्राम की टीम ने लाखोवास रोड पर नाकाबंदी की। जो चंद मिनट बाद ही एमपी नंबर की गाड़ी आई, उसको चेक किया तो ट्रक के जो पिछली साइड में और ऊपर फट्टा लगा के उसमें राखी की ईंट भरी हुई थी और उसके अंदर जो है शराब की पेटी थी। कितनी शराब है जी टोटली? तो शराब गाड़ी को जो ला करके पुलिस स्टेशन पर उसको चेक किया गया तो 795 पेटी शराब, इसमें अधा शराब है कौवा है और 57 पेटी जो है बोतल शराब है। केस दर्ज कर दिया गया है, 745 नंबर FIR है, एक्साइज एक्ट और 420 IPC का। आरोपी भी कोई गिरफ्तार हुआ है? इसमें जो ड्राइवर था रवि नाम का, निवासी मथुरा, को अरेस्ट कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। अन्य जिसकी भी कोई संलिप्तता होगी उसको भी